Students, how are you all? I hope you are doing well. Today we are studying 1000 words speaking conversation. So first of all, we should open model work. So here is in model work. Today we are studies #37. #37, read and explain vocabulary words 1 to 7, page number 50, and oral question answer 1 and 2. Number first, nozzle. Number two, fire hydrant. Number three, firefighter helmet. Number four, stretchers. Number five, flames. Number six, breathing mask. Number seven, ambulance. So this is page number 50 of 1000 words. First vocabulary words is nozzle. नोजल क्या होता है? नोजल जो होता है आपको ये पता होना चाहिए. सबसे पहले तो हमारा चैप्टर है द फायर फाइटर. द फायर फाइटर हमें ये पता होना चाहिए फायर फाइटर का मतलब क्या है. इनका मतलब है वो लोग जहाँ आपने देखे होंगे जो आग बुझाते हैं, जो अपनी ज़िंदगी से खेल कर अपनी जान की बाजी लगा कर हमें बचाते हैं आग से, आग बुझाने के लिए आ जाते हैं. आपने अक्सर बेशतर जगहों पर देखा होगा कहीं पर आग लग जाती है तो एमरजेंसी में कॉल किया जाता है सबसे पहले फायर ब्रिगेड को, ताकि वो आके वाटर से हमारी जो है ये जो फ्लेम जो लगी होती है जहाँ पर आग लग चुकी होती है वो बुझाने के लिए, वो हमारी मदद करने के लिए आ जाते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट टाइम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया फायर फाइटर क्या होता है. अब हम उनकी चीज़ों के बारे में, उनकी जो चीज़ें हम पढ़ते हैं उनके बारे में जो इस्तेमाल की जाती है वो हमारी मदद करने के लिए आ जाते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट टाइम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया फायर फाइटर क्या होता है. अब हम उनकी चीज़ों के बारे में, उनकी जो चीज़ें हम पढ़ते हैं उनके बारे में जो इस्तेमाल की जाती हैं उनकी लाइफ में, उनके बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहले हमारे पास वोकैबुलरी वर्ड ये है नोजल. नोजल क्या होता है? नोजल जो होता है हमें पता होना चाहिए. सबसे पहले फायर हाइड्रेंट क्या होता है? फायर हाइड्रेंट तो ये होता है जो आपने देखा होगा पानी का पम्प जिसे कहते हैं. तो पानी का पम्प तो आपको पता है कि यहाँ से पानी का पम्प निकाला जाता है, पानी इस्तेमाल किया जाता है जिनसे वो उनको आग बुझाने में आसानी हो जाती है. तो जैसे वो स्टार्ट करते हैं तो वो जो पानी के पाइप का जो एंड है उसे हम नोजल कहते हैं. ठीक है, जहाँ से पानी स्टार्ट किया जाता है. नंबर थ्री हमारे पास वोकैबुलरी वर्ड आया है फायर फाइटर्स हेलमेट. फायर फाइटर्स हेलमेट तो आपने देखा है इस तरह का होता है, वो हेलमेट पहन के उनको आसानी से आग बुझाने में मदद मिलती है. अब इसके बाद हमारे पास है स्ट्रेचर्स. स्ट्रेचर्स क्या होते हैं? स्ट्रेचर्स जो होते हैं आपने देखा होगा, स्ट्रेचर्स होते हैं उन्होंने पहने होते हैं अपने बॉडी पे, ताकि उनके यूनिफॉर्म में या कहीं पर आग जो है वो लिपट ना जाए और उनको सेफ्टी के लिए पहनाया जाता है. दूसरी बात, आगे हमारे पास फ्लेम्स. फ्लेम्स आपको पता है किसे कहते हैं? आग को फ्लेम कहा जाता है. ठीक है, फिर है ब्रीथिंग मास्क. ब्रीथिंग मास्क वो मास्क होता है जिसे वो लोग पहन कर अपने फेस की अपनी जो है वो सेफ्टी के लिए पहना जाता है. ये मास्क जिससे वो लोग आराम से ब्रीथ कर सकते हैं यानी सांस ले सकते हैं. जो फायर फाइटर्स होते हैं वो आराम से ये मास्क पहन के सांस ले सकते हैं और ब्रीथ ले सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है एम्बुलेंस. एम्बुलेंस आपने देखा होगा कि अक्सर जब किसी तरह की, इसके बाद हमें पास पढ़ना है हमें क्वेश्चन नंबर वन. क्वेश्चन नंबर वन इज़ दैट हु आर डेविड एंड हिज फ्रेंड्स वॉचिंग, यानी डेविड और उसके फ्रेंड्स जो है वो किससे देख रहे थे. तो इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 51 पर. डेविड एंड हिज फ्रेंड्स आर वॉचिंग द फायर फाइटर्स. डेविड और उसके फ्रेंड्स किसे देख रहे थे? फायर फाइटर्स को देख रहे थे. क्वेश्चन नंबर टू हमारे पास है हाउ मैनी फायर इंजिन्स आर देयर, यानी फायर इंजिन्स जो है हमारे पास यहाँ पर कितने हैं. आपका इसका आंसर मिलेगा टू फायर इंजिन्स आर एट द सीन ऑफ द फायर. ये पेज नंबर 51 पे आपको क्वेश्चन नंबर टू का आंसर मिलेगा. टू फायर इंजन्स आर एट द सीन ऑफ द फायर. नेक्स्ट हमें पढ़ना है द रेडियंट पे की बुक में. क्वेश्चन नंबर वन एंड टू रीड करने के बाद हमारे पास है रीड एंड एक्सप्लेन चैप्टर द हंट्समैन पेज नंबर 53. ये चैप्टर हमें मिलेगा द रेडियंट पे की बुक में. सो हियर इज द रेडियंट पे बुक. इसका पेज नंबर आपको ओपन करना है 50. सो इसका पेज नंबर 53 ओपन कर लिया है मैंने. इस चैप्टर का नाम है द हंट्समैन. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए हंट्समैन का मतलब क्या है. हंट्समैन का मतलब है शिकारी. ठीक है, हंट्समैन का मतलब है शिकारी. सो नाउ वी हैव टू रीड. थ्री जॉली ब्रेक डाउन देयर जॉली, थ्री जॉली जेंटलमैन
in coats of red rode their shikari. So now we have to read. Three jolly break down. Three jolly gentlemen in coats of red rode their horses up to bed. यानी तीन जॉली जेंटलमैन्स जो थे इस स्टोरी में बताया गया है कि तीन जॉली जेंटल्समैन जो आपको दिख रहे हैं वो जो थे कोट पहनकर रेड कोट में घोड़े पर सवार होते थे. रोड का मतलब है सवार होना, घोड़ों हॉर्सेस का मतलब आपको पता है घोड़े, अप टू बेड मतलब बिस्तर तक जो है वो सवार होते थे. नेक्स्ट पढ़ते हैं पैराग्राफ. थ्री जॉली जेंटलमैन स्नॉर्ट टिल मॉर्न. स्नॉर्ट का मतलब है खुराटी, यानी वो खुराटी थे और वो सुबह तक जो है खुराते जो है वो ऐसी सवारी करते थे. देयर हॉर्सेस ट्रैम्पिंग द गोल्डन कोर, यानी उनके हॉर्सेस जो थे वो सुनहरी मकई में महारत रखते थे. नेक्स्ट है थ्री जॉली जेंटलमैन एट ब्रेक ऑफ डे, यानी दिन के वक्फे में ये लोग जो है दिन का वक्फा लेते थे, ब्रेक लेते थे. नेक्स्ट है कैन क्लैटर डाउन द स्टेयर्स एंड ग्लॉप्ड अवे का मतलब है भाग गया, स्टेयर्स का मतलब है सीढ़ियाँ. ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है दिन का वक्फा वो लोग लेते हैं और जैसे ही वो लोग जो है दिन का वक्फा ले लेते हैं इसके बाद वो लोग क्या करते हैं एक दूसरे को आवाज़ लगाते हैं और सीढ़ियों से उतर के भाग भाग जाते हैं. पेज नंबर 53 आपने रीड कर लिया है. थैंक यू.